दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के बीच मच गया बवाल। आधी रात को ऋषभ पंत ने अपने फैंस से पूछा अजीबोगरीब सवाल। स्वागत है आप सभी लोगों का न्यूज नेशन स्पोर्ट्स में, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। आईपीएल 2025 की धूम अभी से मची हुई है। आईपीएल 2025 से पहले मेगा ऑक्शन करा जाएगा और इस मेगा ऑक्शन के लिए आईपीएल ने कुछ ही टाइम पहले बीसीसीआई ने कुछ ही टाइम पहले रिटेंशन के रूल्स का ऐलान कर दिया था, यानी सबके पर्स को बढ़ाया गया है, सारी फ्रेंचाइजी के पर्स को बढ़ाया गया है, उनमें और ज़्यादा पैसा डाला गया है। साथ साथ खिलाड़ियों को लेकर भी कई ज़्यादा सवाल मार्केट में घूम रहे हैं कि कौन खिलाड़ी कहाँ जाएगा, किस खिलाड़ी को टीम रिटेन करेगी और किस खिलाड़ी को टीम रिलीज करेगी, यानी उनका दामन छोड़ देगी। बात करें अगर ऋषभ पंत की तो ऋषभ पंत को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। उनका नाम दिल्ली कैपिटल्स के अलावा अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से जोड़ा जा रहा है, चेन्नई सुपर किंग्स से भी जोड़ा जा रहा है। खबरें मार्केट में ये भी आई थी कि ऋषभ पंत जल्दी दिल्ली का साथ छोड़ देंगे और मे बी सीएसके या फिर आरसीबी का दामन थाम लेंगे। खैर अब ये तो वक्त ही बताएगा कि दिल्ली ऋषभ पंत को रिटेन करती है या फिर नहीं करती है। लेकिन बीती रात यानी 11 अक्टूबर की आधी रात में ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पर एक सवाल पूछा। अब उस सवाल के बाद जो जितने भी दिल्ली के फैंस थे सबके अंदर थोड़ा सा क्यूरोसिटी हो गई कि ये सवाल ऋषभ पंत ने क्यों पूछा। जनरली जब भी कोई खिलाड़ी इस तरीके से ट्वीट करता है, इस तरीके से सवाल पूछता है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है जो आपको आज नहीं बल्कि कल पता लग जाता है, यानी आगे आने वाले टाइम में पता लग जाता है कि अच्छा उसने ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि कुछ होने ही वाला था। दरअसल ये सवाल पूछा ऋषभ पंत ने अपने फैंस से कि अगर मैं मेगा ऑक्शन में जाता हूँ तो क्या मैं बिकूंगा या फिर नहीं बिकूंगा। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अगर मैं बिकता हूं चलिए तो मैं कितने करोड़ में बिकूंगा। अपने फैंस से उन्होंने ये सवाल पूछा। अब उसके नीचे कमेंट्स आने लग गए, कोई कह रहा है कि भैया संकेत है कि दिल्ली कैपिटल्स आपको रिलीज कर रही है, कोई कह रहा है ये पीआर है, कोई कह रहा है कि नशे में है ऋषभ पंत इसीलिए वो इस तरीके के अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे हैं फैंस से। अब ये तो ऋषभ पंत ही जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। ये पर्दा जल्द उठ जाएगा कुछ ही टाइम में, क्योंकि जब भी कोई खिलाड़ी जैसे कि मैंने कहा कुछ भी डालता है तो उसके पीछे कुछ कहानी ज़रूर होती है, कोई ना कोई किस्सा ज़रूर होता है छिपा हुआ जो हमको बाद में पता लग जाता है। अब ऋषभ पंत का नाम कई फ्रेंचाइजी से जोड़ा जा रहा है, जैसे है वो सीएसके हो गई चाहे वो आरसीबी हो गई। बट दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो आईपीएल 2024 में ऋषभ पंत एक्सीडेंट के बाद लगभग 15 महीने बाद वो क्रिकेट के मैदान में उन्होंने वापसी करी थी और ज़बरदस्त वापसी करी थी। उन्होंने अर्धशतक भी लगाया दिल्ली कैपिटल्स के लिए अभी आईपीएल 2024 में और कमाल की उन्होंने वापसी करी थी। दिल्ली का जो प्रदर्शन था 2024 में बेहतर रहा था, एटलीस्ट 2023 से बेहतर रहा था। 2024 में दिल्ली कैपिटल्स ने मतलब प्लेऑफ से थोड़ा सा दो कदम वो पीछे रह गई थी, उनका नेट रन रेट की वजह से वो लोग मात खा गए, अदरवाइज उन्होंने उतने ही मैचेस जीते थे जितने आरसीबी और जितने सीएसके ने जीते थे, लेकिन नेट रन रेट कम होने की वजह से वो आगे नहीं जा पाई थी। तो अब देखते हैं फ्रेंचाइजी आईपीएल 2025 के लिए क्या कुछ नया लेकर आती है और क्या ऋषभ पंत वाकई में दिल्ली का साथ छोड़ देंगे या फिर नहीं। कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि दिल्ली का साथ ऋषभ पंत को देना चाहिए या फिर नहीं, और अगर ऋषभ पंत कहीं और जाते हैं तो उनको किस फ्रेंचाइजी से खेलना चाहिए, सीएसके आरसीबी या फिर कोई और। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।